एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में सीएम आवास पर कुंभ के कामों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने कुंभ के कामों को लेकर बैठक बुलाई थी। अधिकारियों को कुंभ के सभी काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि स्वच्छता अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों का सहयोग लिया जाए। सीएम ने कहा कि जनवरी के आखिरी तक स्थायी प्रकृति के सभी काम पूरे कर लिए जाएं, साथ ही कामों की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर से रौनक लौट रही है। लॉकडाउन के बाद से शाही वीरानी अब धीरे धीरे वापस आ रही है। धर्मनगरी में कोरोना काल के बाद से शाही वीरानी दूर हो रही है। जैसे जैसे कुंभ नजदीक आ रहा है, बाजारों में रौनक भी बढ़ रही है। धर्मनगरी की दुकानें सजी धजी हुई हैं। ग्राहकों को देख दुकानदारों के भी चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। तो आगे हमें उम्मीद है कि अगर ये किसी प्रकार की रोकथाम नहीं करते तो पब्लिक आएगी और काम भी निकलेगा। कुंभ से उम्मीद है, आगे जितने भी स्नान पड़ेंगे तो काम अच्छा निकलेगा। अभी तो महात्मा लोग भी नहीं आए, पहले महीनों पहले आ जाते थे महात्मा लोग। साइयां जो है ना पहले से आ जाती थी। अभी तो कोई नामो निशान गवर्नमेंट का भी नहीं है कि अभी क्या ब्याह है क्या नहीं है, ना इंतजाम है ना कुछ। आपको है भी इंतजार है कि कम से कम लोग आए तो थोड़ा अरे तो हर्जिक होता है। हम तो व्यापारी है जी, जी। हम दो पैसे कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। धर्मनगरी लोगों की आस्था से जुड़ी है। ये शहर देश भर के लोगों के लिए धार्मिक आस्था रखता है, इसलिए साल भर यहाँ चहल पहल रहती है। मगर लॉकडाउन के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रह गई थी। कारोबारियों को उम्मीद है कि उनका कारोबार फिर से पटरी पर वापस लौटेगा। अब कुंभ भी आने वाला है और आगे समय अच्छा ही आएगा और पब्लिक आ रही है, ट्रेनें वगैरह सब सुविधा चालू कर दी गई हैं, इसलिए सभी पब्लिक को धीरे धीरे आने के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि ये संपन्न हुए मकर संक्रांति स्नान पर करीब 7 लाख लोग पहुंचे थे। उम्मीद है कि आने वाले स्नानों पर ये संख्या और बढ़ेगी। पर्यटन पे असर पड़ा क्योंकि हमने यहाँ पे होटल्स वगैरह से भी लिए है, ट्रेनें भी हमारी काफ़ी चली है और यहाँ के जो होटल्स वगैरह वाले व्यवसायी भी का भी कहना है कि हम अभी थोड़ा सा पटरी पे आ गया है खुश। लॉकडाउन के बाद से धर्मनगरी का पर्यटन पूरी तरह से चौपट था। बाजारों में सन्नाटा पसरा था और कारोबारी मायूस थे। मगर मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़ से हरिद्वार की रौनक फिर से लौटने लगी है। दुकानदारों को उम्मीद है कि कुंभ आते आते भीड़ और बढ़ेगी और इनका कारोबार फिर से चमकेगा। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।